जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश साफसाना, खामोश साफसाना, खामोश साफसाना। मैं ही फोन कर लेती हूँ। 100 साल जियोगे, जानते हो? बस अभी अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। सच में तुम मुझे ही याद कर रही थी? वो मैं समझी कि क्या समझी? मतलब नहीं समझी। क्या बोल रही हो वानी? मतलब परेशान हो? क्या हुआ तुम्हें? एक्चुअली मैं ना अभी पढ़ाई कर रही थी और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे सॉल्व होगा, तो बस तुम्हें याद कर रही थी। अब इतनी रात को मैंने तुम्हें कॉल किया, मुझे लगा कि तुम सो गई होगी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं बाबा नहीं, एग्जाम सर पे हैं, ऐसे टाइम पे सोना हराम है। तुमने भी इतनी लेट फोन किया, पढ़ाई कर रहे थे ना? हाँ वो क्या है ना, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना था? एक मिनट, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम पढ़ाई में मुझसे कुछ पूछोगे? वानी से? क्या छोड़ो, मजाक कर रही हूँ, बताओ ना क्या पूछना है। वानी एक काम करो, अभी रहने दो। तुम पढ़ाई कर रही हो ना? हम कल मिलके बात कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे सिद्धार्थ मुझे भी तुमसे कुछ काम था। हाँ तो कल मिलते हैं फिर। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सिद्धार्थ को आखिर ऐसी कौन सी बात करनी थी जो इतनी रात को फोन किया? कल क्या कह रही थी? कल क्या कह रही थी? वो जब माँ ने तुझे आवाज़ दी थी। ओह, माँ तो हमेशा आवाज़ देती रहती है। और वैसे भी मैं एक घंटे पहले क्या कह रही थी मुझे ये तो याद रहता नहीं है, तो मैं तुम्हें ये कैसे बताऊँ कि मैं कल क्या कह रही थी? देख मेरे सामने बन मत, तू अच्छी तरह जानती है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तू वाणी को लेकर कुछ बात कर रही थी ना, पता है तेरी अधूरी बात से मुझे रात भर नींद नहीं आई। और फिर क्या? और फिर क्या, फिर मुझे मजबूरन वानी को फोन करना पड़ा। भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है? यूं आधी रात को किसी लड़की को फोन करना क्या ठीक है? अगर माँ को पता चला ना तो भुचाल आ जाएगा। अरे तुम्हें और क्या करता यार, इतना डिस्टर्ब था मैं, मुझे जो उस टाइम ठीक लगा वो मैंने किया, कर दिया उसको फोन। और जब माँ को पता चलेगा ना तो आएगा ना भुचाल। अच्छा वानी ने क्या कहा? क्या कहेगी वानी, मैं उसको फोन करा, उससे बात करी लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि वो पढ़ रही थी यार। लेकिन मैं तुझसे मिलने वाला हूँ, चल छोड़। तू मुझे ये बता, तू कल मुझसे ये क्यों कह रही थी कि मैं वानी को लेकर कमिटेड ना हूँ? यार तू तो जानती है ना कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, कितना प्यार करता हूँ यार मैं उसका। मुझे नहीं लगता यार कि मैं पूरी जिंदगी में कभी किसी और के लिए ऐसा सोच भी सकता हूँ, किसी और के लिए ऐसा महसूस भी कर सकता हूँ।
भाई ये फिल्मी दीवानगी ना बस तभी तक अच्छी लगती है जब प्यार दोनों तरफ से हो, समझे? समीरा, तू कहना क्या चाहती है यार? भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ भी सोचने से पहले एक बार वाणी से बात कर लूँ कि क्या वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करती है जैसा तुम महसूस करते हो? क्यों? तुझे कुछ शक है क्या? मैं तो चाहती हूँ कि बिल्कुल वैसा ही हो जैसा तुम चाहते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले तुम वाणी से बात करो। तू कमाल की लड़की है यार समीरा, जब मैं उससे बात करने जा रहा था तब तूने मुझे मना कर दिया, अब मुझसे कह रही हो कि जल्दी से जल्दी जाके बात कर लो। यार यार मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ अपने दिल की, लेकिन फिर सोचता हूँ कि ये केस निपट जाए उसके बाद अपने दिल की बात बोलूं। नहीं, अभी कहो, कोर्ट का फैसला पता नहीं कब आएगा, तब तक कहीं देर ना हो जाए। यार तू तो ऐसे बोल रही है जो भागी जा रही है। नहीं भाई, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि ऐसे मामलों में ना देर नहीं करनी चाहिए, और फिर आज नहीं तो कल अपने दिल की बात कहनी है तो फिर आज क्यों नहीं? हाँ यार सही कह रही, जब ये बात करनी है तो आज क्यों नहीं? बैंक में जमा कराने कि मां इतने सारे पैसे आए कहां से? तुम्हारे काम के? अर्जुन ने दिए? अम्मा सुनो ना, मैं सोच रही थी क्यों ना ये पैसे हम अर्जुन को ही दे दें, केस की फीस जो उसने दी है एक ना एक दिन तो हमें वापस करनी ही है ना, एक साथ तो दे नहीं पाएंगे कभी भी इतनी बड़ी रकम, थोड़ा थोड़ा करके चुका देते हैं ना? सोच रही थी ना ऐसा गुस्सा हो जाएगा, कोशिश करके देख लेते हैं। अब हम चुपके से उसके बैंक अकाउंट पे तो नहीं डलवा सकते। ठीक सोच रही हूँ ना? दे दूँ? गुस्सा हुआ? क्या कह दूँ? तुमने दिए? कमाल की बात, अगर वो नाराज हो तो मुझसे हो, तुमसे क्यों हो? मैं क्यों कहूंगी ऐसा? क्या नहीं समझती मैं? सब समझती हूँ मैं, आपको पता नहीं है वाणी बहुत इंटेलिजेंट है। क्या समझती? सब समझती हूँ। मैम सब समझ लेती हूँ मैं तो, आप पता मैं मुझे देर हो रही है मैम। अरे सिद्धार्थ तुम यहाँ? मैं तुम्हारे घर आ रही थी, सोनम से कुछ काम था। और मैं तुम्हारे घर आ रहा था। क्या बात है? वो कल मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, बताओ ना। अरे अंदर चल के बात करते हैं। नहीं 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 अंदर नहीं, लेकिन इस बारिश में बिन मौसम की बरसात है ना, अच्छा मौसम है, सब अच्छा है, यहीं कहीं बैठ के बात करते ना। यहाँ नॉट बैड, यहीं बैठते हैं। चलते थैंक गॉड
बारिश से तो बच गए। हाँ लेकिन कभी कभी ये बेमौसम बारिश अच्छी लगती है, नहीं? कितना मजा आ रहा है ना। अरे तुम बताओ क्या कहने वाले थे। हाँ पहले तो मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। सॉरी वो किस लिए? वो कल रात तुम्हें कॉल किया ना तो मैं बहुत परेशान था वानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कमाल करते हो सिद्धार्थ, दोस्त हो तुम मेरे और मुझे कॉल नहीं करोगे तो किसे कॉल करोगे? दोस्त हूं ना तुम्हारी। तुम पक्का नाराज नहीं हो ना? अगर तुम मुझे फोन नहीं करते तो जरूर नाराज होती। कभी भी कॉल कर सकते हो मुझे। अच्छा अब जल्दी से बताओ क्या बात थी। वो क्या है ना कि तुम्हें भी तो मुझसे बात करनी थी, पहले तुम बताओ। हाँ क्या हुआ, चुप क्यों खड़ी हो? हे वानी कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलो। पता नहीं क्यों सिद्धार्थ, जब से हवेली का केस शुरू हुआ है तब से मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। हो सकता है ये मेरा वहम हो, इसमें कोई सच्चाई भी ना हो। क्या हुआ वानी, कोई प्रॉब्लम है? मुझसे बोलने में क्या हिचकिचाहट? छोड़ो ना, तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते थे। पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि जो मेरी परेशानी है शायद वही परेशानी तुम्हारी भी है। छोड़ो फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। ठीक कहा तुमने, ऑलरेडी मेरे सर पे इतनी सारी परेशानियां हैं कि एक और परेशानी झेल नहीं सकती। एक बात बोलूं तुमसे, वानी तुम्हें कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी होती है ना, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा हर मोड़ पे और हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सिद्धार्थ ये बात तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो। आखिरी बार हम ऐसे किसी रेस्टोरेंट में ऐसे किसी टेबल पर बैठे हुए थे जब तुम मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। प्लीज़ अर्जुन पुरानी बातें मत करो, तब मैं ना बड़ी बेवकूफ थी। तब और अब? अब तो उससे भी बड़ी बेवकूफ हूँ। देखो यहाँ बैठी हूँ, यही इस बात का सबूत है। अच्छा जी, मतलब तुम्हारा यहाँ मेरे साथ बैठना बेवकूफी है, हा? और नहीं तो क्या? तुम्हारे साथ बैठना, दिन रात सपनों में खोए रहना, बेवकूफी नहीं तो और क्या है? तो मतलब तुम मेरे साथ हो ये तुम्हारे लिए एक सपना है? हाँ मेरे लिए तो ये सब एक सुहाने सपने जैसा ही है, पर असल जिंदगी में तुम एक ख्वाब की तरह ही तो। एक ख्वाब तो मैंने देखा है, पता नहीं कब पूरा होगा। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। जहाँ तक मैं मिस्टर अर्जुन कपूर के बारे में जानती हूँ वो हार मानने वाला मुझसे नहीं है। तुम अर्जुन कपूर को एकदम ठीक जानती हो। मैंने कब कहा मैं हार मान गया? अरे जब तक जिंदगी है सपना देखते रहेंगे, पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा।
अच्छा, और अगर जिंदगी भर वो सपना पूरा ना हुआ तो फिर हम दूसरे जन्म तक इंतजार करेंगे। लेकिन वाणी, मौत भी मुझसे ये सपना छीन नहीं सकती है। ऐसी बातें मत करो अर्जुन। अरे यार, ये तो मैं यूं ही कह रहा हूँ, मैं थोड़ी ऐसा कुछ तौबा तो मैं तो ऐसा करने की सोच नहीं सकता। अरे कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है यार, यू डोंट वरी, मुझे इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मेरा ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। अरे तुम्हें कुछ देना था, भूल ही गई। ये क्या है? वाणी, ये क्या? वाणी देखो, मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर ये पैसे तुम अपना पिता छुड़वाने के लिए दे रही हो तो सॉरी, अर्जुन कपूर बिकाऊ नहीं है। कमाल हो तुम अर्जुन, कभी तो सीरियस हुआ करो। अब थोड़ा सीरियस बात करते हैं, ओके? सीरियस बात कर रहे हैं? ओके। तुमने जो वकील साहब की फीस दी थी, इतना बड़ा एहसान किया था, वो किसी ना किसी तरह चुकाना तो है ना? हाँ, एक साथ तो नहीं चुका सकती, तो थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे। देखो वाणी, ना तो तुम्हें एहसान चुकाने की जरूरत है और ना ही पैसे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें पैसे देकर तुम पर कोई एहसान किया है? गलत मत समझो अर्जुन, मैं जानती हूं कि तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था, लेकिन एक बार तुम अपने आप को मेरी जगह रख के देखो और फिर बताओ, क्या तुम वो पैसे लौटाना नहीं चाहोगे? अच्छा अरवानी, अगर मैं ये कहूं कि अगर तुम ये पैसे मुझे दोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और इस बार मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तो फिर? बिल्कुल भी नहीं। दिल पर एक बोझ के साथ तो जी सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराजगी अब कभी भी दोबारा से नहीं झेल सकती। मैं तो तुम्हारे मेंबर कोई बोझ नहीं देने देना चाहता, इसलिए ये मैं रख लेता हूँ। लेकिन तुमको वादा करना पड़ेगा कि तुम कभी भी अपने घर की जरूरतों को नजरअंदाज कर मुझे पैसे नहीं दोगी। हाँ, हमारे घर की जरूरतें हैं ही कितनी, थोड़ी सी तो है, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार और तुम्हारा कभी कभी मेरे घर आना। तुम्हारे चेहरे को देखकर जो माँ बापू सा के मुंह पर मुस्कान सी आ जाती है ना, बस और क्या चाहिए। तुम्हें पता है बहुत अजीब लड़की हो तुम। अजीब तुम, और हमारे घर का हर सदस्य इसी तरह अजीब है। ये जो पुरानी हवेली वाले लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, अजीब से। एक मिनट, वाणी मुझे दो मिनट देना,
फरहान, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम चली जाओ, प्लीज। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर भागने वाली नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही? मैंने सुंदर को कहा था कि तुम्हारी पेमेंट अगले महीने तुम्हारे तक पहुंच जाएगी। मैं पेमेंट? हाँ पेमेंट। ऐसे कैसे बिजनेस करेंगे आप बताइए। जी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी एक ही महीना हुआ है और इतना ज्यादा डेस्परेशन। हमारे रेस्टोरेंट का एक नाम है, एक औहदा है, कैसे सप्लाई करोगे यहाँ पे? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी बेकरी छोटी है लेकिन सामान तो अच्छा है, तो सप्लाई भी ठीक ठाक करेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ नहीं, मैं गलत समझ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सीन मत बनाइए, आप मेरे साथ चलिए, आपका जो हिसाब होता है वो हम कर देते हैं। और हाँ आज के बाद माल सप्लाई मत कीजिएगा। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं, इसलिए आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप सुनिए तो सही मेरी बात। मैं बेकार में सुना रहा हूँ? जब वाणी को लग रहा था कि जिस पत्थर पे वो खड़ी है वो टूटकर नदी में बहा जा रहा है, या जैसे मनो मिट्टी आ पड़ी हो उसके ऊपर, तभी अर्जुन चला आया था। उसने कंधे पे हाथ रखा तो लगा न कोई मुश्किल है न परेशानी। कभी कभी हवा का एक झोंका सफर आसान कर देता है।